सोने के जेवरातों की लूट करने वाले मुख्य आरोपी पकड़े गए। मुरैना पुलिस को 40 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मिली सफलता। आरोपियों से 2 किलो 100 ग्राम सोना हथियार व वाहन हुआ बरामद। घटना का मुख्य सूत्रधार सराफा व्यवसायी का वाहन चालक निकला साथी बदमाश से संपर्क कर घटना को दिया अंजाम। मुरैना के टोक चिरगांव हाईवे पर जोरा मुरैना के बीच कटीवरी के पास 31 जनवरी को दिन दहाड़े हुई थी घटना। हथियारों की दम पर 2 किलो 700 ग्राम सोने के जेवरात लूटे थे बदमाशों ने। जेवरातों की बाजारों कीमत 1,75,00,000 के करीब बताई गई। बागचीनी थाना पुलिस ने 24 घंटे में 4 आरोपियों को 600 ग्राम सोने के साथ किया था गिरफ्तार। मुख्य आरोपियों को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व दिल्ली के आधा सैकड़ों ठिकानों यो जंगल के मठ मंदिरों पर भी दी थी दबिश। आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। देखिए, जैसा आप सभी लोगों की जानकारी में है कि एक घटनाक्रम घटित हुआ था जिसमें ग्वालियर में जो एक व्यापारी हैं आपके सामने बैठे हैं, जो फरियादी थे इस पूरे प्रकरण के, इनके द्वारा सोने के गहने जो हैं वो बनवा कर और इनको ग्रामीण क्षेत्र में बेचने के उद्देश्य से इन्होंने एक गाड़ी में इसको अपने एक ड्राइवर और एक मुनीम के साथ इसको भेजा था। लेकिन कुछ लोगों ने उस गाड़ी का रास्ता रोककर और उसमें कट्टा अड़ाकर जो इनका सामान है पूरा का पूरा सामान इनका लूट लिया। जो सामान गया था वो करीब 2 किलो 750 ग्राम का सोना, जो करीब 2.25 करोड़ के आसपास जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य है, वो इनका गया। जैसे ही घटना हुई तत्काल उसको गंभीरता से देखते हुए हमने अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध पंजीबद्ध करने के साथ साथ ही हम इस प्रकरण में लगे और इस प्रकरण में जो स्टार्टिंग हमें अंदेशा था कि किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, तो उसमें जब हमने पड़ताल की तो इसमें हमें जो ड्राइवर है उसकी संलिप्तता हमें इस घटनाक्रम में मिली। उससे जब पुलिस ने पूछताछ की गई तो उसके द्वारा घटना करना कबूल किया और उसके जो द्वारा उसके साथियों के नाम बताए गए तो पुलिस उसमें लगी और उसमें उसके 2 अन्य सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और साथ साथ जो एक अन्य सहयोगी था उसके जो संबंधी थे, एक रिश्तेदार थे जिसके पास उन्होंने इसको सहयोग किया था और इसका माल जो रखा था उसको भी पुलिस ने इसमें आरोपी बनाया। उसके बाद जो हमारे मेन आरोपी थे उनके पीछे हम लोग लगे और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही मेहनत जो है हमारी टीम्स ने इसमें, हमारे काफ़ी पुलिस फोर्स वाले लगे रहे, करीब हमारे 4-5 थाना प्रभारी, उसके साथ साथ हमारे साइबर क्राइम की टीम और उसके अलावा कई अन्य हमारे सब इंस्पेक्टर्स, ASIs, हेड कॉन्स्टेबल्स, कॉन्स्टेबल सभी इस मामलों में लगे रहे और पिछले करीब 1.5-1 महीने से हम लोग कंटिन्यूसली मध्य प्रदेश में मुरैना में, भिंड में, ग्वालियर में, उसके साथ साथ इंदौर, राजगढ़, भोपाल और यूपी में इटावा, औरैया, मैनपुरी, फरुखाबाद, इसके अलावा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, ऐसी कई जगहों पर हम लोगों ने जाकर जहां पे भी हम लोगों को इन अपराधियों की जानकारी मिलती थी उसके बारे में हम लोग पता करते थे और ये पता लगाने का प्रयास करते थे कि वो अभी कहां हैं और जो लूटा गया मशरूका है वो कहां है। इसी तारतम्य में पुलिस को इनके बारे में जानकारी मिली और पुलिस ने जो हमारे घटना में संलिप्त 2 आरोपी थे उनको राउंड अप किया, उनसे पूछताछ की गई और उनके द्वारा, उनमें से जो एक आरोपी है जो एक काफ़ी पुराना शातिर बदमाश है, पूर्व में भी उस पर कई रिकॉर्ड रहे हैं और उसके जो यूपी से जहां से उसका संबंध था वहां पर उसके जो पिताजी थे उनके द्वारा भी जो सामान है उसको भी बाद में खपाने की नीयत से उन्होंने कई जगह छुपा दिया था। हमने उनको भी पकड़ा और उनकी निशादेही पर हमने जो मशरूका गया हुआ था, लगभग पूरा मशरूका 2.25 करोड़ का, हम लोगों ने उनसे जब्त करने में सफलता हासिल की और इसमें हमारी पूरी टीम ने बहुत इसमें सभी जगह बहुत मेहनत की, बहुत कई लोगों से, मतलब काफ़ी संख्या में लोगों से पूछताछ की, उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की, लगभग पूरी रिश्तेदारियां उनकी खंगाल ली। उसके अलावा जो जहां जहां उनकी सूचना मिलती थी, कई ऐसा पता चला था कि वो मंदिरों में रहते हैं तो आसपास के लगभग 100-150 मंदिर हम लोगों ने इस क्षेत्र के पूरे छान मारे थे और लगभग पूरी मेहनत हम लोगों ने जब इसमें की तो उसके उपरांत हम लोगों को इसमें सफलता मिली और लगभग पूरा 2.25 करोड़ का मशरूका इसमें हम बरामद करने में सफल हुए। कितने आरोपी पकड़े गए?
इसमें अभी 3-4 आरोपी शुरुआत में हम लोगों ने गिरफ्तार किए थे, उसके बाद 3 आरोपी अभी हम लोगों ने और किए। इसमें इनिशियली जो है सूचना जो थी इनके जो ड्राइवर है उसके माध्यम से, और इनका जो पूर्व में एक ड्राइवर रहा था जिसने इस ड्राइवर को वर्तमान में लगाया था, इन्होंने मिलके स्टार्टिंग में इसकी प्लानिंग की थी। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि जो मेन एक आरोपी था जो बाद में जिसको हमने पकड़ा, जो पूर्व में भी जिसके काफ़ी रिकॉर्ड रहे हैं, काफ़ी दुर्दांत अपराधी है, और उसने जब इसमें शामिल हुआ तो फिर उसके बाद एक तरह से पूरा केस को मास्टरमाइंड तरीके से प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करने का काम फिर उसका था। और उसके पहले उसके और भी अन्य जगहों पर उसके संपर्क रहे हैं, पुराने माफियाओं से भी उसके संपर्क रहे हैं, और वो जब यहाँ से फरार हुआ था तो वो इन लोगों के यहाँ भी हम लोगों को ऐसी सूचना मिली थी कि गया था फरारी काटने के उद्देश्य से, लेकिन क्योंकि पुलिस कंटिन्यूसली इन लोगों के पीछे लगी थी तो किसी ने भी इनकी मदद नहीं की, और अंत में आकर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। इस घटना का सूत्रधार क्या ड्राइवर था? हाँ, मतलब इनिशियली जब हम लोगों ने पूछताछ की तो जो ड्राइवर और मुनीम के कथन थे उनसे हमें संदेह लगा, और उसके बाद जब हम लोगों ने ड्राइवर से पूछताछ की तो फिर हमारे इस मामले के में जानकारी।